हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो आज ऐसे मैं क्रेडिट कार्ड एक मिस्टेक्स के बारे में यहाँ बताने वाला हूँ, जिसमें एक उस क्रेडिट कार्ड यूज़र को यहाँ 6,818 रुपया का यहाँ बिल भरना पड़ गया। उन्होंने कार्ड को ना ही ऑनलाइन ना ऑफलाइन कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, फिर भी उनको यहाँ 6,818 रुपया का यहाँ बिल बन गया। तो वो लगभग 1 या 1.5 साल से उन्होंने ये कार्ड को ले रखा था, 1.5 से 2 साल तक उन्होंने इसको यूज ही नहीं किया, सिर्फ लिया और रखा रहा। उन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया और ना ही उसके कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ किस तरह से उनको इतना चार्ज भरना पड़ गया, 6,818 रुपये का बिल यहाँ भरना पड़ गया। तो इस वीडियो में आप बने रहे शुरू से अंत तक, तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये जो कार्ड है ये SBI का सिंपली सेफ प्रो क्रेडिट कार्ड था, तो उस कार्ड को उन्होंने सिंपली ले लिया और उस कार्ड को यहाँ यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये कोई भी चार्जेस इसमें नहीं लगेगा, ऐसा करके उनको ये कार्ड दे दिया गया था। तो यहाँ पे इस कार्ड की चार्जेस की यहाँ बात करेंगे तो फर्स्ट 11 मंथ्स के लिए यहाँ कोई भी चार्जेस पे करना नहीं होता है। उसके बाद 1 साल के बाद यानी कि 12 महीने के बाद यहाँ आपको इस कार्ड के लिए ₹499 प्लस GST यहाँ पे करना होता है। चाहे तो इस कार्ड को आप जो अपग्रेड भी करा सकते हैं, अगर आगे चल के आप इसको यूज़ करते हैं तो। अदरवाइज़ यहाँ से आपको दो चार्जेस 499 प्लस GST यहाँ आपको देना ही पड़ता है। तो उनसे यही गलती हुआ, उन्होंने ये कार्ड को लिया और ये जो है यूज ही नहीं किया। तो जैसे कि आप यहाँ देख पाते हैं, यहाँ जो है यहाँ आपको 8 अप्रैल 2021 के बाद यहाँ पे चार्जेस लगता चला गया, यानी कि जो एनुअल चार्ज है उसके ऊपर यहाँ चार्जेस लगता चला गया। या तो फिर इस कार्ड से उनको यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर 30,000 या उससे ऊपर का यहाँ खर्च कर लेना था। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है जो चार्जेस लगता है ₹499 प्लस GST, ये चार्जेस उनको पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनको ये चीज़ पता ही नहीं था क्योंकि कार्ड को कैसे यूज़ करना है। वो इतना है कि फ्री में मिल रहा है करके उन्होंने ले लिया और यही गलती उन्होंने कर बैठे। यहाँ पे उनका कार्ड जो है अप्रैल 2021 तक तो यहाँ फ्री था, यानी कि 1 साल कम्प्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद अप्रैल में जो बिल जनरेट हुआ वो इसके एनुअल चार्ज के साथ जनरेट हो गया, यानी कि ₹499 प्लस GST यहाँ चार्जेस का जो बिल है वो जनरेट हो गया। तो यहाँ पे उनसे ये गलती हुआ, ना ही यहाँ मिनिमम अमाउंट ड्यू ना ही टोटल अमाउंट ड्यू, कोई भी यहाँ बिल उन्होंने नहीं भरा। तो यहाँ 8 अप्रैल 2021 से यहाँ लेट फीस और फाइनेंस चार्जेस यानी कि एनुअल चार्जेस के ऊपर चार्जेस यहाँ लगते चले गए और 8 अप्रैल 2021 से लेकर 8 सितंबर 2021 तक का ये जो है बिल बन के आपका जो है 6,818 रुपये यहाँ हो गया। और लास्ट में उनको ये कराना पड़ा कि ये बिल भरने के बाद ये कार्ड उनको क्लोज भी कराना पड़ गया। यहाँ बात करें कि गलती यहाँ पे किसकी है, तो यहाँ अगर गलती यहाँ ऑब्वियसली यहाँ यूज़र की गलती है, यानी कि जिसका कार्ड था उसकी गलती है। अगर उनको यूज़ नहीं करना था तो उन्होंने ये कार्ड लिया क्यों? दूसरी बात, जिनके थ्रू उन्होंने ये कार्ड लिया यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड एजेंट्स थे उनको कार्ड बेचे, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना था कि ये सिर्फ 1 साल यानी कि 11 महीने के लिए बस फ्री है, लेकिन अगर आप 30,000 खर्च करेंगे तो आपको जो है ये कार्ड का चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ डेफिनेटली जो है यूज़र की ही गलती है, अगर उनको यूज नहीं करना था तो क्यों लिया। इनफैक्ट मैंने खुद कहा कि आपको यूज ही नहीं करना था, आप क्यों लिए। यहाँ पे SBI कार्ड के तरफ से SMS भी भेज दिए जाते थे कि कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट कर दिए जा रहे हैं, और बिल भरने का भी SMS यहाँ SBI कार्ड के तरफ से यहाँ स्टेटमेंट भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे यूजर ने ही यहाँ पे इसको इग्नोर कर दिया, यहाँ पे उन्होंने किसी से पूछा तक नहीं और ये जो SMS आता रहा उनको सिंपली जो है इग्नोर कर दिया। अब सवाल ये कि ये इनको पता कैसे चला कि ये क्रेडिट कार्ड का बिल है। तो यहाँ पे उनके ऑफिस में या फ्रेंड सर्कल में कहा जाए तो किसी ने लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया, उन्होंने अप्लाई किया तो उनका लोन जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि मेरा जो है लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों किया गया। तो बैंक की तरफ से यहाँ बताया गया कि आपका जो है ये बकाया है क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ बचा हुआ है, तो वो बिल जो है क्लियर नहीं किए हैं, उसकी वजह से सिविल में जो है आपका नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ गया हुआ है। तो उसको जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो आपको जो है लोन नहीं मिलेगा, आपका जो है लोन अप्रूव नहीं होगा। तो इस तरह से उनको पता चला, फिर उनको ये खुद से यहाँ उनको नहीं पता चला, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये पता चला कि इस प्रकार का कार्ड तो हमने भी ले रखा है, तो मैंने भी अभी तक कोई भी इसका बिल नहीं भरा है यानी पेमेंट्स नहीं किए हैं। तो वहाँ से जाके इनको ये पता चला कि ये क्रेडिट कार्ड का हमें बिल भरना है, इसको क्लोज करना है, ये क्लियर करना है।
ये जो मिस्टेक्स है ये अक्सर नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स के साथ यहाँ होता है। वो फर्स्ट टाइम अगर यूज़ करते हैं उनको पता नहीं होता है किस प्रकार से अब उनको यूज़ करना है, क्या होता है बिलिंग साइकिल, इसका बिल ड्यू डेट कब होता है, क्या होता है मिनिमम ड्यू, क्या होता है टोटल अमाउंट ड्यू, तो किस तरह से उनको पे करना है। कई बार बैंक जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू को यहाँ ऑटो डेबिट में यहाँ सेलेक्ट कर देती है और आपका जो है जब भी ड्यू रहता है तो आपका सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भी यहाँ पर डेबिट होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी बिल जनरेट होता है आपको जरूर स्टेटमेंट चेक करना है आपका जो है पेमेंट करने का ड्यू डेट कब है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखना है। बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ अननेसेसरी बिल भरना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। कई क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आते हैं और किसी में कुछ चार्जेस यहाँ सालाना चार्जेस आप इसके लिए पे करते हैं और कुछ सर्टन अमाउंट आता है, अगर 50,000 या 1,00,000 आप इसमें स्पेंडिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ एनुअल चार्जेस यहाँ पे करना नहीं पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड में आपको टाइम टू टाइम फेस्टिव सीजन्स में और जो भी कई सीजन्स आते हैं वहाँ पे आप जो है 10% या 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको वहाँ देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ आसानी से आपको मिल जाता है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें आपको अननेसेसरी चार्जेस पे करना है बोल के आपको यहाँ डरना नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के डेट में ऐसे कई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब बात करें या और भी प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ जाके आप जो है क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल्स में आप स्टडी कर सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह से क्रेडिट कार्ड और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।